नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इसराइल लेबनान के अंदर सक्रिय उग्रवादी संगठन हिजबुल्ला के आतंकियों को फेजर और वॉकी टॉकी के अंदर विस्फोट कराकर मार डाला। इन दोनों हमलों में करीब 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 3000 के करीब इसमें घायल हुए थे। ये हमला ऐसा था कि पूरे लेबनान में एक के साथ ही फेजरों और फिर वॉकी टॉकी से ये धमाके किए गए थे। इसराइल की इस नई तरीके की युद्ध रणनीति ने पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया, और यही नहीं, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का खौफ भी बढ़ रहा। खुद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसे इसराइल का मास्टर स्ट्रोक बताया, तो वहीं पर इसे वॉरफेयर से सावधानों के रहने की जरूरत भी बताई। इसको लेकर भारत सरकार भी सतर्क है, और सरकारी सूत्रों का ये कहना है कि चीन से सीसीटीवी कैमरों की खरीद पर रोक के साथ ही अब इसको स्मार्ट मीटर, पार्किंग सेंसर और ड्रोन पार्ट्स के अलावा लैपटॉप और कंप्यूटर की खरीद को नियंत्रित किया जा सकता है। इसे चीन की बजाय अन्य विश्वस्त सहयोगी देशों से लिया जा सकता है। इसके अलावा इनकी भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, जिसमें चिप का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसराइल हिजबुल्ला के फेजर में उसी स्थान पर विस्फोट लगा दिए थे जहां पर चिप डाली जाती। इस तरह दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता है कि सप्लाई चेन भरोसेमंद रहे, और पहले ही वाणिज्य मंत्रालय ने दिसंबर तक मॉनिटरिंग का आदेश दिया था। अब चीन से आयात पर नजर रखने के लिए कुछ और आदेश भी आ सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार ऐसी व्यवस्था लाने जा रही है जिससे सीसीटीवी कैमरा सहित तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम के भारत में इस्तेमाल से पहले उनका सर्टिफिकेशन हो, और एक बार मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें आम बिक्री के लिए खोला जाए। दरअसल इसको लेकर भारतीय सेना पहले से ही काफी ज्यादा चेताती रही है, और यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी हाइब्रिड वॉरफेयर के खतरे को लेकर आगाह करते रहे। ऐसे में नए तरीके के युद्धों के दौर में सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आपको बता दें कि भारत में स्मार्टफोन बेचने के अंदर चीनी कंपनियां अव्वल हैं, और शाओमी, रियलमी और ओप्पो सहित ऐसी ही कई कंपनियां चीन की भारत के अंदर लगातार सक्रिय हैं, जिनके मोबाइल भारत में बड़ी मात्रा में बिकते नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।